Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मीरा भाईंदर महानगर पालिका एकोमोडेशन रिजर्वेशन के अंदर उमराव हॉस्पिटल को परमिशन दी गई थी, जिसके अंदर एक FSI था और 25% इमारत का कॉरपोरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बांध के देना था। उस कंडीशन के हिसाब से परमिशन दी गई। वहाँ के जो संचालक थे मुजफ्फर हुसैन जी, उन्होंने एफिडेविट भी उस समय दिया था कि 25% बांध के दूंगा। वो बिल्डिंग बाद में डायरेक्टली 14 माले की बन गई इलीगल तरीके से। महासभा में जब प्रस्ताव आया तो उनको एडिशनल FSI मिले, हॉस्पिटल का दर्जा मिले, इस प्रकार का विषय लाया गया, जो शहर के लिए अच्छा था। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ कि शहर में हॉस्पिटल हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब सरकार के पास गया तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका 25% था, उन्होंने कट कर डाला। एक दूसरा, 2 additional FSI उनको दी गई, मूल एक होती है, दूसरी 2 additional। और ये देते समय एक कंडीशन किया गया कि 20% इकोनॉमी वीकर सेक्शन का इलाज मुफ्त करेंगे, 10% गवर्नमेंट ऑफिसर के इलाज मुफ्त करेंगे, 10% OPD आप मुफ्त में चलाएंगे। इस तरह के कंडीशन पे उन्हें दो additional FSI दिया गया और 25% महानगर पालिका का जो था उन्हें उसके अंदर माफ़ी मिली। ये हॉस्पिटल जब ऑर्डर किया तो इसका देखरेख और नियंत्रण जो था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था। इसलिए जब कमिश्नर के पास कोई शिकायत या नगर पालिका के पास या लोक प्रतिनिधि शिकायत आती थी तो हम ना इलाज होते थे, क्योंकि हमारे पास कार्रवाई के भी अधिकार नहीं थे, इंस्पेक्शन के भी अधिकार नहीं थे या किसी को एडमिट कराने के अधिकार नहीं थे। इसलिए सरकार ने उस मीटिंग के अंदर एक कमेटी बनाई, जिनके अध्यक्ष डायरेक्टर रहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, लेकिन उस कमेटी के अंदर उनके भी सदस्य और मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट पंडित भीमसेन जोशी के हॉस्पिटल के हेड और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक लोक प्रतिनिधि, मतलब वो नगर सेवक में से जिसको महासभा भेजेगी, वो इस कमेटी के सदस्य नियुक्ति के ऐसे आदेश पारित किए गए। इनको पूरा अधिकार होगा हर महीने जाके रजिस्टर चेक करना और गरज पड़े तो वहाँ पे एक सुविधा केंद्र के नाम से लोगों की सुविधा के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, इस तरह का कमिश्नर सुविधा केंद्र भी कर सकता है। अब कमिश्नर मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन और यहाँ के लोक प्रतिनिधि जिसको नियुक्त करेगी महानगर पालिका, ये डायरेक्टली उसके अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह का आदेश भी सरकार ने किया, जिसकी कॉपी मैं आपको अभी देने वाला। तो ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि उमराव के अंदर अब 20% हॉस्पिटल के जो बेड है, 20% बेड वो गरीबों को मुफ्त में देने ही होंगे। अब वो भाग नहीं सकते और उनको अच्छा खासा बड़ा बोर्ड भी लगाना है, वो भी उस आदेश में लिखा है। और हमने ये भी कहा, हम बोलते लेकिन वो करते नहीं ना, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे तो सहूलत रद्द कर देंगे। मैं बोला, सहूलत क्या रद्द करोगे, ऊपर के 4 माले गिरा दोगे क्या, बोला करोगे क्या? तो कहा कि नहीं, कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जितना हमने एडिशनल FSI दिया उतना सरकार फिर से ताबा ले सकती है। यदि उन्होंने अगर इस तरह से ही बार बार किया और कंप्लेंट आई और इसके अंदर सुधारना नहीं हुआ तो समय आने पे सरकार इस लेवल तक जा सकती है कि उतना पार्ट ताबा लेके सरकार चलाए। होता है कि जिस आमदार को शहर का और राज्य का कायदा बनाने के मंदिर में प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उसे कायदे का ज्ञान नहीं, उसे हाईकोर्ट की स्कीम्स के नॉलेज नहीं, उसको बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 सेक्शन 41A के बारे में मालूमात नहीं। मैं ये आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके थोड़ा सा कायदे का अध्ययन करें और जो सरकार को, राज्य सरकार को जो आपने दिशा भूल करी है वो दिशा भूल ना करें। उमराव हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस ट्रस्ट अपनी जवाबदारी बखूदी कायदे के हिसाब से, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, चैरिटी कमिश्नर ने जो नियम फ्रेम किए हैं, उसके तहत लोगों की सेवा और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसका ऑडिट रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जो गवर्निंग अथॉरिटी फिक्स की है, हाईकोर्ट ने, मैंने आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें उसका डिटेल है, उस गवर्निंग अथॉरिटी को अगर राज्य सरकार को बदलना है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आपको बदलना है, तो उसके लिए सरकार को बिल लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा,
बिल टेबल करना पड़ेगा। सरकार अपनी मर्जी से गवर्निंग अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती। हमको शासन ने उमराव इंस्टीट्यूट को कोई भी ऑफिशियल लेटर इस तरह का नहीं दिया है। चाहे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए, उमराव इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन के लिए 24 घंटा हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि जहां चोरी नहीं वहां किसी की डर नहीं। हाँ, डर उसको लगता है जिसने अपने अस्पताल की बिना परमिशन अस्पताल चलाया हो, जिसने बगैर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कई सालों तक के अस्पताल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की हो जिसके लिए उसके पास परमिशन नहीं हो, जिसने म्युनिसिपैलिटी को मैटरनिटी होम बना करके हैंड ओवर करना चाहिए था वो नहीं किया हो, और जब शहर में उसके प्रति आंदोलन होते हैं तो उसे हैंड ओवर करना पड़ता है, और जब प्रशासन उस मैटरनिटी होम को एक्यूप करने के लिए जब प्रस्ताव लाती है तो बीजेपी सत्ता में जो बैठी है, आमदार जो सत्ता में है, वह अपने मेजोरिटी के बेसिस पे उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, ये कहते हुए कि इस शहर में मैटरनिटी की जरूरत नहीं है। इस शहर के अंदर ओपीडी अगर किसी ने शुरू करवाई थी तो मैं जब डिप्टी मेयर था उस वक्त ओपीडी चालू की गई थी। आज तक के उतने ही नंबर ऑफ ओपीडी सेंटर्स चल रहे हैं। 2004 से लेकर आज तक के कोई नए ओपीडी सेंटर चालू इस शहर में नहीं हुए। मैं जब आमदार था तब हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, हम जब आमदार थे हमने वहां पे डायलिसिस मशीन लगाई, हमने वहां ओपीडी सेंटर्स चालू किए, वहां पे नर्सिंग मैटरनिटी सेक्शन स्टार्ट किया गया जिसके माध्यम से आज हजारों लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही है। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल यह हमारे लोगों के कार्यकाल में तेंबा हॉस्पिटल के नाम पे शुरू किया गया। मिलन मात्रे साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही कि जिला परिषद से उसे महानगर पालिका को हस्तांतरण किया गया। करोड़ों रुपए महानगर पालिका ने खर्च किए। हम जब सत्ता से बाहर हुए उसके बाद इन्होंने तुरंत वहां पे इक्विपमेंट्स लाए गए, इक्विपमेंट्स खरीदे गए, 35 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे गए जिसका इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ। आज उन इक्विपमेंट्स का वारंटी पीरियड खत्म हो चुकी है, सीएमसी खत्म हो चुकी है, आईसीयू स्टार्ट नहीं हुआ, ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट नहीं हुआ, डायलिसिस सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ, एमरजेंसी वार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ 2 बार 3 बार उद्घाटन हुए, नाम बदला गया, नामकरण किया गया, और जब जब चुनाव आए, चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इसी तरह से जिस तरह से परसों फिर से एक बैठक की गई और वहां पर ये बताया गया कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल ये सरकार को हैंडओवर किया जाएगा। आप पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल ये महानगर पालिका ने ताबा देना था मई महीने में, और मई महीने में ये ताबा हुआ नहीं था, तो इस बारे में भी हमने मंत्री महोदय के पास बैठक लगाई। उस बैठक के अंदर डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्हें पूछा आपने ताबा क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी क्वेरी बाकी है। तो उन्होंने पूछा क्या क्वेरी बाकी है, हमने पूछा, तो ये जो मंत्रालय जो और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे महाराष्ट्र के, वो बिगर नगर पालिका को बोले, खुद ही आए, खुद ही इंस्पेक्शन करके चले गए। तो हमारे को पता ही नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं, इसलिए वहां पे उनको फटकार लगाई कि आप उधर गए तो कम से कम कमिश्नर साहब को या वहां के डिपार्टमेंट को साथ में लेके जाना चाहिए था। मैं उदाहरण के तौर पे उन्हें ये भी कहा कि इनको सर एक आधा कोई चीज चाहिए, मेरे पास कपाड़ में रखी, इनको कहां से दिखेगी वो कपाड़ में, मुझे पूछते तो मैं बता देता कपाड़ में। तो उनकी कुछ जो कमियां थी, तो आज मेरे ख्याल से वो विजिट को आए, कल उनका लेटर मुझे मिला है, मेरे ख्याल से आज वो विजिट को आए, और मंत्री महोदय ने, और एक मैं ऑर्डर की भी कॉपी देता हूँ, उस पर आदेश हुए उस बैठक के अंदर मिनट्स हुए कि ताबड़तोप ये हॉस्पिटल ताबे में लिया जाए, और मुझे विश्वास है कि आज वो विजिट होने के बाद उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके 30 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल या महीने डेढ़ महीने के अंदर ये हॉस्पिटल भी सरकार ताबे में लेगी। और लेने के बाद ये भी नक्की हुआ सिविल हॉस्पिटल का दर्जा देंगे। हमारे यहाँ पे मतिमन बच्चे है, अपने अपंग बच्चे हैं, या फिर जो मेंटली चैलेंज बच्चे जिसे हम स्पेशल बच्चे कहते हैं, जिनको परीक्षा के लिए सर्टिफिकेशन अब थाना जाना पड़ता, ये होने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं भी अब इस मीरा भाईंदर में होगी, ताकि यहाँ के नागरिकों को अब वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का भी निर्णय उस मीटिंग में हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये महीने और ज्यादा डेढ़ महीने के अंदर ये हॉस्पिटल महाराष्ट्र सरकार ताबा लेगी। हमने ये भी कहा उनसे, अगर आपको फिर भी कुछ लगता है बाकी है तो हम पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखने को तैयार है,
ताकि आपको लगे कि बाद में ताबा लेने के बाद कोई खर्चा नहीं करता है, तो उतना पैसा हम एस्क्रो अकाउंट में रखते हैं, लेकिन आप ताबा ले लीजिए, सरकार की जरूरत है उसके अंदर। तो उन्होंने इस बात को माना है और आज विजिट होने के बाद मुझे फाइनल रिपोर्ट पता चलेगा, तो मुझे विश्वास है कि सरकार पॉजिटिव है, तो ये भी काम हो जाएगा। मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि शासन ने महापालिका को एक गाइडलाइन दिया है कि ये सारी चीज उसमें मुकम्मल कीजिए, ये पूरा कीजिए, तब हम इसका टेक ओवर करेंगे। मगर आज तक के 5 साल 7 साल से ये महापालिका में सत्ता में है, इनको किसी ने रोका नहीं कि उस कंप्लायंस को पूरा करें। पिछले महीने वहां से पेशेंट्स को, डिलीवरी वाली महिलाओं को अस्पताल से उठा करके बाहर कर दिया गया। आप में से ही कोई पत्रकार भाइयों ने वहां पर जाकर के उसके ऑब्जेक्शन लिया, पान पट्टे को फोन किया गया, डीएमसी को फोन किया गया, कमिश्नर को फोन किया गया और उन प्रेग्नेंट महिलाओं को फिर से हॉस्पिटल में रखा गया। ये तो महापालिका का कारभार, कलेक्टर की इंक्वायरी लगी है, किसी महिला ने, कोई गायकवाड़ महिला ने कंप्लेन करी कि वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट का हो रहा है। जो प्रशासन आपका है, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो महापालिका की जिम्मेदारी है, उसे तो आप पूरा नहीं कर रहे हो। खुद के 7-11 हॉस्पिटल में जो चीज आपने म्युनिसिपैलिटी को हैंड ओवर करनी चाहिए थी, वो तो इतने साल आपने नहीं किया, और जब अभी कायदे के दबाव के अंदर आपको देना पड़ा तो आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। और आप वहां पे मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, इस तरह का आप सभागृह में चर्चा करके उस प्रस्ताव को कैंसिल कर। मीरा रोड के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी, नर्सिंग, मैटरनिटी का काम होता है। ये अस्पताल किसने बनाया था? ये हमने बनाया था, मुजफ्फर हुसैन ने बनाया था। तब तो आपको ये पता भी नहीं था कि अस्पताल होता क्या है, नर्सिंग होम होता क्या है, मैटरनिटी होती क्या है। तो कोई भी इल्जाम लगाने से पहले उसकी तय तक जाना जरूरी है और खुद के गिरेबान में नजर डालना जरूरी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी दाढ़ी में तिनका है। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो सिर्फ अभी अनाउंस कर दिया कि मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ेंगे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। और इस तरह के आप आरोप बिन बुड़ा के कर रहे हो। जिस दिन शासन हमारे को लिख करके भेजेगा कि ये आपकी गवर्निंग अथॉरिटी है, हम जरूर शासन को पूछेंगे। अगर वो इन अकॉर्डेंस टू हाईकोर्ट डायरेक्शन है, इन अकॉर्डेंस टू चैरिटी कमिश्नर डायरेक्शन है, तो हमको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आप किसी भी टाइम आइए, देखिए, चैरिटी कमिश्नर तो आते ही हैं, देखते ही हैं, चैरिटी कमिश्नर को रिकॉर्ड सबमिट होता है, महानगर पालिका को हर महीने रिकॉर्ड सबमिट होता है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत। तो बड़ी समस्या थी मीरा भाईंदर को पीने के पानी की, पूरे महाराष्ट्र में दुष्काल था, इसलिए कपात मीरा भाईंदर को भी थी, मुंबई को भी थी। कपात अपनी जगह पर, मुझे पता है कि बारिश आती है तो कपात रद्द होती है, लेकिन उसके विपरीत हमारी कुछ डिमांड थी कि मीरा भाईंदर का 75 MLD पानी जो मंजूर था, उस समय डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ी थी इसलिए हमें 75 MLD पानी नहीं दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर की समस्या गंभीर है इसलिए पानी दो, इसलिए हमें 40 MLD पानी उस 75 में से दिया गया था। हमारा भी मीरा भाईंदर का कामकाज चल रहा था, उसके अंदर लोगों को सफिशियंट पानी मिल रहा था, लेकिन इस कपात के दौरान और 2 साल की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके हिसाब से 35 MLD पानी की ज़रूरत इस शहर को अब है। और इसके लिए मंत्री महोदय के पास बैठक लगाई कि सर अब हम सहन नहीं कर सकते, हमें 35 MLD पानी अब मिलना चाहिए। अब मंत्री महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेहता जी बारिश 7-8 दिन में गिर जाएगी, आप जहाँ जहाँ 10 तारीख गिन लो, 10 तारीख के आसपास मीरा भाईंदर को हम अतिरिक्त 35 MLD, मतलब जो पानी अब एट प्रेजेंट जो 176 MLD आ रहा है उसके अलावा 35 MLD पानी और, मतलब ये पहली बार, ऐसा नहीं कि पहले भी था और अब है, 176 ही आ रहा है आज तक, कपात नहीं होती तो भी 176 था, कपात के हिसाब से तो शायद 140 होगा, 150 होगा, मुझे पक्का नहीं, लेकिन उसके बाद, लेकिन अब 35 MLD बढ़ने के बाद 3.5 करोड़ लीटर पानी, ये केवल बारिश के लिए, अब ये हमेशा के लिए बढ़ रहा है। और इतना पानी आने के बाद एक मीरा भाईंदर को बहुत बड़ा हाथ मिलेगा इस तरह का निर्णय। मीरा भाईंदर को 75 MLD पानी, ये कांग्रेस NCP की सरकार जब थी राज्य में और मीरा भाईंदर महापालिका में, उस वक्त इसकी मंजूरी दी गई थी। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए, होर्डिंग्स लगी कि 24 घंटा पानी इस शहर को मिलेगा, मगर आज तक के इस शहर को 2 घंटे भी पानी सही तरकीब से मुहैया नहीं कराया जा रहा है।
महापालिका में जब हमारा प्रशासन था कांग्रेस एनसीपी का, पानी की किल्लत के चलते हुए, कमी के चलते हुए पानी के कनेक्शंस बंद किए गए थे। इन्होंने 75 एमएलडी की भूमिका लेने के साथ में ही वहां पे हजारों कनेक्शंस इन्होंने देना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि उस 75 एमएलडी पानी में से सिर्फ 40 एमएलडी पानी इस शहर को मिल रहा है, जिसमें हर साल मार्च अप्रैल के महीने में 20-25% कटौती जो पूरे महाराष्ट्र में होती है, बॉम्बे में होती है, वो की जाती है। हाल ही में आपके मीडिया के माध्यम से थाने महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा के दौरान ये वहां पर ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड चर्चा की गई और बताया गया कि आमदार नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर का जो पानी 40-45 एमएलडी जा रहा है उसमें से हीरा नंदानी गार्डन्स को पानी देने का पत्र उस तरह का दिया है। मीडिया की न्यूज आने के बावजूद आमदार मेहता साहब ने इस पर कोई खुलासा आज तक नहीं किया और लोगों के दिशा भूल करने के लिए, ध्यान बदलने के लिए अधिवेशन चलते अधिवेशन में मंत्री के पास एक बैठक लेकर के ये बताया कि 35 एमएलडी एडिशनल वाटर एमआईडीसी के माध्यम से 10 जुलाई तक दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर शहर के लोगों को पानी मिलता है 10 जुलाई तक और 24 घंटा अगर पानी मिलता है तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। और अगर ये नहीं होता है तो 10 दिन बीतने के लिए कोई लंबा समय नहीं है, 10 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा, 10 जुलाई के बाद में तुरंत पता लग जाएगा कि ये आश्वासन कितना सच्चा था और कितना झूठा था। पूरे महाराष्ट्र में दुष्काल की परिस्थितियां हैं, पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका सभी जगह पानी की कटौती है। पानी बरसात एक महीना लेट हो चुकी है, काश्तकार किसान पानी के लिए परेशान है, शहर में पीने के पानी की कटौती चल रही है। ऐसे परिस्थिति में मंत्री महोदय ने अगर ये आश्वासन लिखित स्वरूप से दिया है कि हम 10 जुलाई से 35 एमएलडी पानी, चाहे बरसात हो या ना हो, चाहे डैम में पानी हो या ना हो, मगर मीरा भाईंदर को हम ये 35 एमएलडी पानी देंगे, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, इस पर टिका करने वाली कोई बात नहीं है। मगर पानी आने के बाद हम इसका यकीनन और खुले दिल से जो है मुख्यमंत्री साहब का जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम स्वागत करेंगे, और अगर नहीं आया तो ये एक फिर से वही वायदा हो जाएगा, जुमला हो जाएगा। शहर में जिस तरह से होल्डिंग सोशल मीडिया पे चलेगी, होर्डिंग्स लगेगी, ये भी उसी प्रकार का एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा।